श्री सदगुरु महाराज की जय। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, श्री सदगुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। आइए सज्जनों, अभी हमारे बीच हर गांव में घूम घूम कर गरीबों के दर्द सुनने वाले माननीय पप्पू यादव, बहुत सुंदर विचार हम लोगों के बीच में रखे। धन्य है माननीय पप्पू यादव, इस गांव में मेहमान बनकर आए हैं। धन्य है माननीय पप्पू यादव, मेहमान बनकर आए हैं। इंसान से बढ़कर कोई भगवान नहीं, यही ज्ञान हम लोग पाए हैं कि संसार में इंसान से बढ़कर कोई भगवान नहीं। आप इंसान बन जाइए, आप भगवान। जी जी, अभी माननीय पप्पू बाबू जो बोले बहुत सुंदर कि मानव मानव से प्रेम करो, मानव मानव से प्रेम करो, इससे बढ़कर धर्म नहीं। मानव मानव से प्रेम करो, इससे बढ़कर धर्म नहीं, यही ईश्वर की भक्ति है। करो, कभी अधर्म नहीं। आप राम बनो या रावण बनो, यह आपके ऊपर निर्भर है। यदि नित प्रतिदिन हम लोग माँ बाप को प्रणाम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो राम हैं। हम दूसरे को सताते हैं तो हम रावण हैं। आप राम बनो या रावण बनो, यह आपके ऊपर निर्भर है। मान्य पप्पू यादव ने बताया, संत संगति में ही ईश्वर है। कृष्ण सुदामा से प्रेम किया, आप भी सबसे प्रेम करो। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के हाथों से चावल खाए। कृष्ण सुदामा से प्रेम किया, आप भी सबसे प्रेम करो। जातिवाद के भेद हटाओ, जीवन में सुंदर कर्म करो। जीवन में जातिवाद को हटा करके हम इंसान बने। सदा संतोष में हरदम रहना, यही मान्य पप्पू बाबू का ज्ञान है। बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तन कीजिए, यही बड़ा विज्ञान है। यही समाज में रहना है, यही समाज में रहना है। सबसे भाई प्रेम करो, माँ बहन पर कुदृष्टि मत डालो, माँ बाप का सेवा खूब करो। धन्य है मान्य पप्पू यादव, सबके गला के हार बने। जो एक बच्चा बच्चा भी सराहना करते हैं, गरीबों के मसीहा, गरीबों के सुनने वाले, दुख दर्द सबको गले लगाने वाले हैं, तो मान्य पप्पू यादव। धन्य है मान्य पप्पू यादव, सबके गला के हार बने। धन्य है मान्य पप्पू यादव, सबके गला के हार बने। गांव गांव में जा करके गरीबों के दर्द सुने। सज्जनों, कोरोना से लेकर अभी तक जीवन में मान्य पप्पू यादव एक एक घर गए हैं, सबके दुख सुने हैं, सबके समस्या का समाधान किए हैं, वह है पप्पू यादव।
कुर्सी नहीं लेवे, कुर्सी दे, कुर्सी नहीं लेवे, कुर्सी नहीं ले। पढ़ा सम्मानित, आज यहाँ तू बेटा ना छोड़ दे ना भाई, आवाज कुछ और नहीं है। हेलो, हाँ हेलो, हेलो जी, आज यहाँ इस गांव में एक ऐसे मनीषी जो अपने उत्कृष्ट साधना, हेलो, आध्यात्मिक संतमत के वो ऐसे मनीषी थे जो विराट देवत्व को मैं अपने साधना के बदौलत उन्होंने एक विराट संत का स्वरूप उनमें अभिव्यक्त किया था। कुछ समय उनके सानिध्य में कभी कभी भ्रमण की, मैं उनको सुनने का, उनको महसूस करने का कुछ पल हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिनका विचार, जिनका चिंतन, जिनका कर्म भाव, जिनका मानव कल्याण का वो जीवन का जो वो विनम्रता है, उनकी जो सरलता थी वो कंप्लीट प्रेम का था। ऐसे संत मत के सत्संग के उपलक्ष पे हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियाँ हमारे तमाम सम्मानित ईश्वरतुल देवतुल बुजुर्ग सभी गार्जियन अभिभावक अगल बगल गांव के और इस पंचायत के तमाम सामाजिक आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से अपने कर्तव्यों के पथ पर चलने वाले सभी बंधुवर मानवर, हमारे सम्मानित नेता लोग, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लोग और इस मंच पर विराजमान कंप्लीट समर्पण के भाव से हमारे साधुता का वो भाव लिए हुए, जो हमारे मन के चित्त को ईश्वर को पराधीन करने के लिए जो भजन की भक्ति थी, यहाँ उपस्थित है हमारे मार्ग भाई और उनके साथ इस भजन में साथ देने वाले अन्य बंधुवर, हमारे पास दो बच्चे गए थे, आना ही है,
हम रोक नहीं पाए, हम अपने भाई को बोले, हमने कह भी नहीं पाया। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है। मैं इतने पल में आप सबका आशीर्वाद और स्नेह लेने का और इस आभा मंडल में जो सत्संग का विराट भाव है, यहाँ कुछ पल हमें भी दुनियावी चीजों से अलग हटकर सानिध्य में रहने का मौका मिला, ये मेरी खुशनसीबी है। इंसान श्री सद्गुरु महाराज